हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज हम UGC नेट पेपर 1 रीजनिंग कोडिंग एंड डिकोडिंग करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में, इफ नोट इज कोडेड एज OQWI एंड देखिए यहाँ पे क्या किया है, नोट का कोड दिया है यहाँ पे और BOA का कोड दिया है यहाँ पे, और क्या बोला है इसका कोड दिया है और इसका इसमें से कौन सा होगा ये हमें बताना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम तो इसका कोड से मैच करेंगे कि कोड का डिफरेंस क्या है और नंबरिंग हमें याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे नंबरिंग याद है आपको, तो यहाँ पे देखिए क्या है नोट। अब नोट हमने यहाँ पे लिख लिया और इसका नंबरिंग हम कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो नंबरिंग में अगर देखेंगे तो N का जो नंबर है वो क्या होगा, 14 होगा, O का 15 हो जाएगा, T का 20 हो जाएगा और E का 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो O का 15 हो जाएगा, Q का 70 हो जाएगा और 17 हो जाएगा, W का 23 हो जाएगा, I का 9 हो जाएगा। अब अगर हम देखें इसका डिफरेंस अगर देखते हैं तो कभी कभी डिफरेंस कैसा है यहाँ पे, इस ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले डिफरेंस कैसे कैसे देखना पड़ता है वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए हमारा कभी कभी डिफरेंस यहाँ से आएगा, कभी डिफरेंस यहाँ से देखना पड़ेगा, तो ये दोनों लॉजिक आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से लॉजिक देखेंगे, तो यहाँ से पास पास कौन सा है, नंबरिंग के पास पास कौन सा है वो चीज़ें हमें देखना है सबसे पहले। तो यहाँ से 14 से 15 हुआ नंबर, मतलब N से O, मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया प्लस 1 हुआ, ठीक है। अगर नेक्स्ट देखा जाए यहाँ O से Q, तो ये 15 पे है और वो 70 पे है, तो मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ प्लस 2। थर्ड नंबर का देखा जाए यहाँ पे, थर्ड से थर्ड नंबर को, तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 23 है, तो कितना हुआ है प्लस 3 हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस 3 लिख लेंगे। फिर लास्ट वाले को लास्ट वाले से मैच करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 5 है, मतलब यहाँ पे 9 है, तो 5 से 9 होने के लिए प्लस 4 हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा प्लस 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब कि एक एक नंबर इंक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ पे तो हमने ये लॉजिक लगा लिया, लेकिन यहाँ पे क्या ये लॉजिक लग रहा है ये भी देखना हमें जरूरी है। तो यहाँ पे देखेंगे BOA, उसका कोड दिया है CQD, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे नंबरिंग कर लेंगे, नंबरिंग में बी का नंबर हो जाएगा 2, ओ का 15, ए का 1, यहाँ पे देखिए C3, क्यू का नंबर हो जाएगा 17 और डी का नंबर हो जाएगा 4, ठीक है। तो मतलब देखिए यहाँ पे से 2 से 3 हुआ है, मतलब कि यहाँ से यहाँ जो हुआ है प्लस 1 हुआ है, और वो से क्यू का देखा जाए वो 15 पे है, क्यू 17 पे है, मतलब कि 2 नंबर बढ़ गए हैं। तो यहाँ से ओ क्यू का अगर देखा जाए डिफरेंस तो 2 प्लस हुआ है, और ए का अगर लास्ट लास्ट का देखा जाए तो ए से डी हुआ है, मतलब प्लस 3 हुआ है। तो हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट, हमें इसका कोड दिया है, इसमें से किसका कोड ये होगा वो हमें बताना है। तो ये देखिए NCWGM, ये कोड दिया हुआ है, इसमें से किसका कोड होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले इसका नंबरिंग हम कर लेंगे, इसका भी ये 14 नंबर हो जाएगा, C3 नंबर हो जाएगा, W23 हो जाएगा, G7 पे हो जाएगा, M13 पे हो जाएगा, ठीक है। अब आगे अगर देखा जाए तो इससे क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे कि एक एक जैसे यहाँ पे एक नंबर प्लस हुआ है तो एक नंबर माइनस करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम N से अगर 14 से एक नंबर माइनस कर रहे हैं तो 13 होगा, 13 पे क्या होगा हमारा M आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे M हमारा आंसर मतलब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे C दिया है, यहाँ पे C दिया है, तो इसका मतलब कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट बचे 3 M, तीनों में M बचे हैं, नेक्स्ट इससे हमारा आंसर नहीं निकल रहा है, तो नेक्स्ट वाला आप देखेंगे कि नेक्स्ट वाला क्या होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट में हमने क्या किया था, प्लस 2 किया था, तो यहाँ पे माइनस 2 करेंगे, तो C से माइनस 2 होगा, मतलब कि A आएगा यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कोड दिया हुआ है, यहाँ पे पहले कैसे है यहाँ पे हमने एडिशन किया है, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा तभी जाके इसके लेवल में वो आंसर निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे 23 दिया है, तो माइनस 3 करेंगे तो 20 पे टी आएगा, तो MAT, देखिए यहाँ पे MAT, लेकिन यहाँ पे MOK दिया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दोनों गलत होगा, बचे 2 ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए G7 पे दिया है,
तो ये कौन सा 1 2 3 4 फोर नंबर माइनस करना है, क्योंकि वहां पे 3 जैसा बन रहा है कि प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा प्लस मतलब माइनस 4 होगा, तो माइनस 4 होगा मतलब सी आ जाएगा। 7 में से माइनस 4 अगर हम करते हैं तो बचेगा 3 और 3 पे हमारा सी आएगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे नंबर 5, तो 13 में से माइनस 5 अगर करते हैं, 13 में से 5 तो 8 आएगा, 8 पे क्या आएगा हमारा H आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पे D हो जाएगा, ये हमारा क्रॉस हो जाएगा। इस तरीके से हमें एक एक नंबर अगर निकालते हैं तो कभी कभी ऑप्शन से ही हमारा आंसर सॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके से फुल मेथड सॉल्व करना है। यहाँ पे इतना लिखना पड़ा, लेकिन वहाँ पे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, देखिए इसका कोड दिया है ऑफिस का, फिर यहाँ पे डिनोट का हमें फाइंड आउट करने का बोल रहा है, हाउ इज डिनोट रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके से इसका कोड दिया है, ऑफिस का कोड दिया है NGGHDD। अब हम इसका ये कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे सबसे पहले। तो O का जो नंबर है वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, F का 6 हो जाएगा, F का 6, I का 9, C का 3 और E का 5, N का 14, G का 7, G का 7, H का 8, D का 4, D का 4, ठीक है। अब यहाँ से डिफरेंस आप देखेंगे तो यहाँ से भी डिफरेंस ज़्यादा है, पास पास का डिफरेंस अगर देखा जाए, यहाँ यहाँ पे देखिए O मतलब कि प्लस 1 हो रहा है, F प्लस 1 नहीं, O है तो माइनस 1 हुआ, I है तो माइनस 1 हुआ, E है तो माइनस 1 हुआ, देखिए यहाँ पे I E, तो यहाँ पे ये माइनस हो गया, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, मतलब कि यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, वोवेल्स वोवेल्स हो गए E E I O U, ये हमारे वॉवेल्स है, मतलब कि यहाँ पे वॉवेल्स जो है वो एक एक माइनस हो रहा है। तो देखिए O माइनस हमारा हुआ है, लेकिन जो कॉन्सोनेंट है वो हमारा ऐड हो रहा है, मतलब प्लस 1 हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे O I E मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे और यहाँ पे ये माइनस हुआ है। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अगर हमें डिनोट का फाइंड करना है, डिनोट का तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखना है सबसे पहले कि यहाँ पे वॉवेल्स कौन कौन सा है, ये वॉवेल्स है, ये वॉवेल्स है, ये वॉवेल, तो डी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ई यहाँ पे नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन में है। अब आगे देखेंगे क्या आगे क्या होगा, ई है मतलब कि वॉवेल्स है, तो एक माइनस होगा मतलब कि यहाँ पे डी आ जाएगा। ओ एन है तो एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो प्लस 1 होगा तो ओ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ओ है मतलब कि वॉवेल्स है, तो एक माइनस हो जाएगा मतलब कि यहाँ पे एन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम नंबरिंग नहीं किए हैं, लेकिन इतना देखिए यहाँ पे 4 नंबर पे आता है हमारा डी, ई 5, एन 14, ओ 15, टी 20, ई 5, तो जहाँ पे वॉवेल्स है उसको एक नंबर माइनस कर रहा है, लेकिन जहाँ पे कॉन्सोनेंट है वहाँ पे एक नंबर प्लस करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा 4 हो गया, ये हो गया टी, टी हो गया कॉन्सोनेंट मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 21 मतलब यू आएगा, यहाँ पे हो गया ई मतलब वोवेल्स है, तो एक माइनस हो जाएगा मतलब कि यहाँ पे डी आएगा, तो ई डी ओ एन यू डी हमारा आंसर आएगा। तो कहाँ पे ऑप्शन है, ई डी ओ एन यू डी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। इस तरीके से हर एक लॉजिक यहाँ पे नहीं देखना है कि पिछले जैसे क्वेश्चन किए हमने तो वहाँ पे अलग लॉजिक लगा, यहाँ पे अलग लॉजिक, एक एक लॉजिक को यहाँ पे समझना है और आंसर निकालना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए यहाँ पे अनंत का कोड दे दिया है ये, ठीक है, देन मनोज विल बी कोडेड एज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, इसी तरीके से हमें मनोज का कोड फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे अनंत लिख लेते हैं, अब इसका जो कोड दिया है BPDRY, अब इसको हमें समझने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा। तो नंबरिंग अगर करेंगे तो A का नंबर जो है 1 हो जाएगा, N का नंबर 14 हो जाएगा, A का नंबर 1 हो जाएगा, N का नंबर 14 हो जाएगा, T का नंबर 20 हो जाएगा।
बी का 2 हो जाएगा, पी का 16 हो जाएगा, डी का 4, आर का 18 और वाई का 25। अब यहां से समझ में आएगा कि ये किस तरीके का लॉजिक लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ई टू मतलब 1 2, तो मतलब यहां पे देखा जाए तो प्लस 1 हुआ। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 16 मतलब प्लस 2 हुआ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है मतलब कि प्लस 3 हुआ, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 18 है मतलब कि प्लस 4 हुआ। तो यहाँ पे एक एक नंबर बढ़ रहा है। अब यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 25 मतलब कि प्लस 5, तो यहाँ पे एक एक नंबर इंक्रीज होते जा रहा है। मतलब कि हमारा मनोज का जो देखेंगे मनोज, तो इसी तरीके से हमें मनोज का भी फाइंड आउट करना है। तो एम के इसका नंबरिंग कर लेंगे हम। देखिए M का जो नंबर है 13 है, A का 1 है, N का 14 है, O का 15 है, J का 10 है। अब यहाँ पे हम एक एक नंबर बढ़ा लेंगे। 13 है तो 14, 14 पे क्या आता है हमारा N आता है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 3 आएगा, प्लस 2 होगा तो यहाँ पे C आ जाएगा, प्लस 2 होगा मतलब 3 प्लस C आता है। अब यहाँ पे देखिए 14 है और यहाँ पे प्लस 3 होगा, ऐड होगा ना हर जगह, जैसे 1 2 3 4 हर जगह एक एक नंबर बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे 2 ऐड किए तो सी आया, यहाँ पे 3 ऐड करेंगे तो 17 पे क्या आएगा क्यू। तो एन सी क्यू हमारे ऑप्शन कहाँ कहाँ दिया है ये देखिए, यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पे ये गलत हो गया, हमारे दो ऑप्शन में एन सी क्यू है। अब देखिए यहाँ पे अगर आगे देखेंगे तो 15 है और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 ऐड किए हैं तो यहाँ पे प्लस 4 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 पे एस आएगा मतलब यहाँ पे तीनों में सेम ऑप्शन है, तीनों में सेम। अब लास्ट पे क्या होगा, जे है 10 पे तो यहाँ पे प्लस 15 होगा, 15 पे क्या आएगा हमारा ओ आ जाएगा, तो एन सी क्यू एस ओ। तो ये देखिए हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। सब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे इतना लिखने की एग्जाम में तो जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप जब यहाँ पे बेस क्लियर हो जाता है आपका, नंबरिंग अगर अच्छे से याद है तो आपको ये डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इतना लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज वाई, इसका कोड देखिए यहाँ पे कोड दिया है, इसका कोड दिया है यहाँ पे, इसका कोड दिया है यहाँ पे, हाउ इज हाइट रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। अब हमारे हाइट का कोड हमें फाइंड आउट करना है, तो पहले इसका तो लॉजिक देखना पड़ेगा कि इसका लॉजिक है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वाई आई एल डी और इसका कोड लिखेंगे वाई एच बी जी एक्स। ठीक है, अब इसका नंबरिंग हम कर लेंगे, तो नंबरिंग से हमें पता चलेगा कि इसका क्या है, किस तरीके से इसका लॉजिक लगाया है। तो यहाँ पे देखिए 25 पे y हो जाएगा, i 9 पे हो जाएगा, e 5 पे हो जाएगा, l 12 पे होगा, d 4 पे हो जाएगा। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे h 8 है, यहाँ पे b है तो 2 है, g है तो 7 है, x है तो 24 है। अब आपको मैंने बताया है कि यहाँ पे अगर लॉजिक फर्स्ट में देखा जाए, फर्स्ट में, तो y को अगर y से हम कनेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट वाला भी देखना पड़ेगा, फोर्ट है। तो यहाँ पे f o r t, इसका कोड दिया है p o m e। ठीक है, ये भी चीजें देखना है कि नेक्स्ट वाला भी मैच कर रहा है कि नहीं। तो देखिए फर्स्ट y है, फर्स्ट y है, फर्स्ट f है तो फर्स्ट f रहना चाहिए, तो ये हमारा लॉजिक काम नहीं कर रहा है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, अगर नेक्स्ट अगर देखा जाए कि फर्स्ट को लास्ट में ले जाए, 25 है 24 है मतलब कि पास को पास में, तो यहाँ पे देखिए माइनस 1 हुआ है। अगर मैं सेकेंड वाले को सेकेंड से कनेक्ट करता हूँ तो 9 है, यहाँ पे 7 है मतलब कि माइनस 2 हुआ है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है मतलब कि माइनस 3 हुआ है। देखिए यहाँ पे अगर मैं 3 को 3 को कनेक्ट करता हूँ माइनस 3, मतलब कि एक एक दो जैसे कि एकदम सीक्वेंस से 1 माइनस हो रहा है, फिर 2 माइनस हो रहा है, फिर 3 माइनस हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए 12 है और यहाँ पे 12 से यहाँ पे 4 मतलब यहाँ पे 4 माइनस हो रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 25 है। देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस 5 हो गया, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे माइनस 5। अब ये बोलेंगे कि आप माइनस 5 कैसे किए, तो अगर जेड तक आप लिखते हैं और माइनस पीछे से आते हैं तो वो क्या होगा, 4 जो नंबर है वहाँ पे मतलब कि माइनस हो गया है पीछे। ठीक है, माइनस 5 करेंगे तो इस तरीके से लॉजिक हमारा लगा है। अब आगे देखेंगे कि फर्स्ट तो हमारा आइडिया ये लॉजिक काम कर गया, लेकिन ये फोर्ट का भी देखना है,
एफ ओ आर टी और इसका कोड क्या दिया है पी ओ एम ई। अब ये लॉजिक काम कर रहा है कि ये हमें देखना है F हो गया 6 नंबर पे, O हो गया 15 नंबर पे, R हो गया 18 नंबर पे, T हो गया 20 नंबर पे, P हो गया 16, O हो गया 15, M हो गया 13, E हो गया 5। अब यहाँ पे लॉजिक देखिए, फर्स्ट और लास्ट हमने कनेक्ट किया था, मतलब कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट माइनस वन हो गया, सेकेंड का अगर देखा जाए तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 13, माइनस टू हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 15 है, माइनस थ्री हो गया, यहाँ पे देखिए 20 है, यहाँ पे 16 है, माइनस फोर हो गया। मतलब कि यही लॉजिक हमारा काम कर रहा है। तो आगे क्या फाइंड आउट करना है हमें, हाइट का। अब देखिए हाइट यहाँ पे हम लिख देते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम अगर देखा जाए तो यहाँ पे किस तरीके का लॉजिक लगाएंगे, जैसे कि एक एक माइनस, तो यहाँ से अगर हम पहला क्या करेंगे माइनस कितना करेंगे, यहाँ पे एक एक माइनस करके लास्ट में लेके जाएंगे, तो लास्ट से हम लिखते आएंगे कि नहीं आएंगे, तो H है कितना 8 नंबर, कितना हो जाएगा 8 में से माइनस वन करना है, तो पहले माइनस वन करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7, तो 7 लास्ट में मतलब कि G आएगा। अगर H जो है 8 नंबर पे है तो एक नंबर माइनस करेंगे तो 7 पे हमारा G आता है, तो कौन कौन से ऑप्शन में G है, हर एक और हर एक ऑप्शन में G है, तो यहाँ से हमारा आंसर नहीं बन रहा है। नेक्स्ट है ई पे गए तो ई हमारा 5 नंबर पे है, तो माइनस यहाँ पे कितना होगा 2 नंबर होगा, तो ई 5 नंबर पे आता है, माइनस 2 करें तो 3, तो यहाँ पे क्या होगा सी हो जाएगा, तो सी जी चारों ऑप्शन में है, तो हमारा यहाँ से भी कोई कट ऑप्शन नहीं हुआ। अब यहाँ पे आई है तो यहाँ पे देखिए आई 9 नंबर पे है, तो माइनस यहाँ पे कितना होगा 3, तो 6, तो 6 पे क्या आएगा एफ, तो एफ सी जी यहाँ पे है, एफ सी जी यहाँ पे है, तो मतलब कि एक ऑप्शन यहाँ से गायब हो गया हमारा, गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे जी है 7 नंबर, तो यहाँ पे माइनस 4 होगा तो मतलब 3, तो यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ पे 4 माइनस करेंगे 7 में से 4 माइनस, तो 3 पे सी आएगा। अब यहाँ पे रहेगा सी एफ सी जी, देखिए यहाँ पे डी है इसलिए ये गलत है, यहाँ पे देखिए सी एफ सी जी, दो ही ऑप्शन में बचा हुआ है। अब देखेंगे नेक्स्ट 8 नंबर है, तो 8 में से माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, 3 पे सी आ जाएगा। अब लास्ट बचा हमारा टी, तो टी में से कितना माइनस करेंगे 6 माइनस करेंगे, तो टी 20 पे माइनस 6 करेंगे तो एन आ जाएगा 14 पे, तो एन सी सी एफ, देखिए यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे एन बी सी दिया है, बी आ गया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, हमारा आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, एन सी सी एफ सी जी हमारा आंसर होगा। तो ये लॉजिक पहले यहाँ पे कोड देखना है कि कोड किससे क्या कनेक्शन है, नंबरिंग करेंगे तो और इजिली मिलता है और बहुत अच्छे से आंसर फाइंड आउट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ अ सर्टेन कोड लैंग्वेज प्रिवेंट इज रिटन एंड, उसका कोड दिया है, हाउ इज ए स्पेशल रिटन इन दैट कोड, जिस तरीके से इसका कोड दिया है उसी तरीके से हमें नेक्स्ट कोड उसका फाइंड आउट करना है स्पेशल का। तो देखेंगे यहाँ पे पी प्रिवेंट का कोड दे दिया है, क्या दिया है टी एन ई वी ई आर पी, ठीक है। अब यहां पे क्या हमें फाइंड आउट करना है स्पेशल का। चलिए अगर हमें इसका देखा जाए लॉजिक तो क्या लग सकता है, यहां P हो जाएगा कितना हमारा 16 नंबर, यहाँ पे 20 मतलब प्लस 4, अगर लास्ट का देखा जाए तो यहाँ पे भी लॉजिक वही माइनस 4, लेकिन एक चीज देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, लास्ट में P है, R भी लास्ट में है, R लास्ट में, इसमें फर्स्ट है इसमें लास्ट है, यहाँ पे E है थर्ड नंबर पे, तो इधर थर्ड नंबर पे लास्ट से है, ये फर्स्ट से 4 नंबर पे है तो ये लास्ट से 4 नंबर पे है, मतलब देखिए यहाँ पे टी एन E, मतलब उल्टा कर दिया, इधर से ये जो चीजें है इसको इधर से उल्टा कर दिया है, तो ये देखिए स्पेशल का क्या हो जाएगा L A I C E P S, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आता है, यहाँ पे नंबरिंग अगर ध्यान नहीं दिए तो यहाँ पे नंबरिंग करके अपना समय बर्बाद करोगे, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे सेम अगर लेटर दिया हुआ है तो कभी कभी देता है कि यहाँ पे कैसा नंबरिंग
ये नंबर जो दिया है कोड इधर उधर कर देता है, तो वहां पे क्या करेंगे आप 1 2 3 4 5 नंबर लिख लेंगे और कौन सा को इधर लेटर गया है वो आप इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एल ए आई सी ई पी एस, हमारा बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, देखिए यहां पे दिया है व्हीकल, व्हीकल्स इसका कोड दिया है YGIRDNH। अब इससे पहले हम सबसे पहले इसका तो कुछ लॉजिक लग नहीं रहा है कि यहाँ पे सेम सेम नंबर भी नहीं दिया है और सेम सेम लेटर कनेक्ट भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नंबर करेंगे V का 22, E का 5, 8 का H, I का 9, C का 3, L का 12, E का 5। अब यहाँ पे देखेंगे Y का 25, G का 7, I का 9, R का 18, D का 4। अब एक काम करते हैं, अगर इसको कनेक्शन देखना ही है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे बढ़िया है इसका कनेक्शन Y Y G I R D N H, ठीक है। अब देखिए Y का जो नंबर है वो 25 है, यहाँ पे G 7 है, I 9 है, R 18 है, D 4 हो गया, N 14 हो गया, H 8 है। तो यहाँ से इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो कनेक्शन इसका समझ में बहुत इजीली जल्दी आता है। अब देखिए यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 25, मतलब कि प्लस 3 हुआ है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, मतलब कि प्लस 2 हुआ है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, मतलब कि यहाँ पे प्लस 1 हुआ है। और यहाँ पे रह गई बात 9 है, यहाँ पे 18 है, मतलब कि यहाँ पे डायरेक्ट कितना 18 प्लस हुआ है। तो यहाँ पे 18 प्लस नहीं हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना है कि एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब 9 और 18 अगर दोनों को जो नंबर जोड़ के अगर 27 आता है तो ये रिवर्स है, तो यहाँ पे हम रिवर्स लिख लेंगे, ठीक है, एक दूसरे का रिवर्स, मतलब यहाँ पे था फोर्थ नंबर। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस 1 हुआ है। यहाँ पे देखिए 12 है, यहाँ पे 14 है, मतलब कि प्लस 2 हुआ है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, मतलब कि प्लस 3 हुआ है। समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट हमें किसका फाइंड आउट करना है, स्कूटर का। चलिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले क्या किया है, प्लस 20 मतलब प्लस 3 किया है, तो यहाँ पे 19 है और प्लस अगर हम 3 करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं सबसे इजी, ये हो गया 19 नंबर पे, C हो गया 3, O हो गया 15, O हो गया 15, T हो गया 20, E हो गया 5, R हो गया 18, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर पे S है और यहाँ पे पहले में क्या किया है, प्लस 3 किया है, तो यहाँ पे भी प्लस 3 होगा, तो 19 और प्लस 3 कितना हो गया हमारा 22, 22 पे V आ गया। हर जगह V है, G है, यहाँ पे T है, इसलिए ये गलत है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे नेक्स्ट वाले में प्लस 2 हुआ है, तो मतलब 3 है, यहाँ पे प्लस 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 पे हमारा E आ जाएगा। अब E किस में है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, B ऑप्शन में, बाकी ये देखिए ऑप्शन ये गलत है, ये भी गलत है, ये आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। इतने से में हमारा आंसर आएगा, लेकिन हम पूरा फुल जानेंगे कि आंसर क्या है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि प्लस 1 हुआ है, तो प्लस 1 हुआ है मतलब 16 है यहाँ पे, तो यहाँ पे मतलब 15 है यहाँ पे, तो एक ऐड करेंगे तो 16 होगा, 16 पे पी आता है। लेकिन नेक्स्ट नंबर क्या है, रिवर्स है, तो यहाँ पे देखिए 15 है, तो इसका 15 कितना ऐड करेंगे, 27 होगा, तो 12 ऐड करेंगे तब 27 होगा, तो 12 पे आता है हमारा L, तो ये L हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में क्या किया है, प्लस 1 किया है, मतलब 20 है तो 21, मतलब कि यहाँ पे U आ जाएगा 21 पे। फिर नेक्स्ट हमारा 5 है, और नेक्स्ट में क्या किया है, प्लस 2 किया है, तो मतलब 5 और 2 7 हो गया, 7 पे G आ जाएगा। यहाँ पे R है, मतलब यहाँ पे प्लस 3 हुआ है, तो R 18 पे है, 18 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 21, 21 पे क्या आएगा, हमारा U आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे V E P L U G U हमारा आंसर आ गया B ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है साइक्लोन एंड कोड दिया है उसका, देन व्हाट इज द कोडेड फॉर, उसका हमें कोड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे साइक्लोन, यहाँ पे इसका कोड लिख लेंगे,
इसके नीचे ही कोड लिख लेंगे, ठीक है, ओ एन ई एम सी वाई सी, इसलिए कि अगर नीचे नीचे आप लिखते हैं तो उससे इजीली समझ में आता है और बहुत जल्दी समझ में आता है, ठीक है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो ये देखिए सी वाई सी लास्ट में गया है, अगर देखा जाए यहाँ पे तो सी वाई सी, ये देखिए वो एनी वन, ये क्या हुआ है फर्स्ट में आ गया है और ये वाला जो है ये इधर लास्ट में चले गया। तो यहाँ पे देखिए एल है तो यहाँ पे एम है, मतलब कि प्लस वन एक हो गया है लेकिन लास्ट के तीन और स्टार्टिंग के तीन, फर्स्ट वाला लास्ट में गया और लास्ट वाला फर्स्ट में आया है। अगर हम इस तरीके से अगर देखें टी एस यू एन ए एम आई, तो अगर इसमें जो फोर्थ ना, यहाँ पे भी तीन तीन छः सात है, यहाँ पे भी सेवन लेटर है, तो ये फर्स्ट के तीन और लास्ट के तीन, लास्ट वाला पहले आ जाएगा ए एम आई और बीच वाला जो नंबर है ये एक नंबर बढ़ जाएगा, तो एन है 14 नंबर तो एक नंबर बढ़ जाएगा, तो मतलब कि एन है तो ओ आ जाएगा और लास्ट फर्स्ट वाला लास्ट में चलेगा, मतलब कि ऐसा ऑप्शन में दिख रहा है ए एम आई टी, ये तो ऐसे भी गलत है, एम ए एम आई टी ये भी गलत है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एस से स्टार्ट हुआ इसलिए ये गलत है, हमारा बी आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है इफ ओरिएंट इज कोडेड एज पी क्यू जी डी ओ एस, यहां पे देखिए ओरिएंट, ओरिएंट इसका कोड दिया है, यहां पे कोड नीचे लिख लेंगे पी क्यू जे डी ओ एस। अब हम क्या करेंगे इसका कोडिंग कर लेंगे, मतलब नंबरिंग कर लेंगे। सबसे पहले वो हमारा आएगा 15 नंबर पे, आर आएगा 18 नंबर पे, आई आएगा हमारा 9 नंबर पे, ई आएगा 5 नंबर पे, एन आएगा 14 नंबर पे, टी आएगा 20 नंबर पे, पी आ जाएगा 16 नंबर पे, क्यू आ जाएगा 17 नंबर पे, जे आएगा 10 नंबर पे और डी आएगा 4 नंबर पे। ओ हो जाएगा हमारा 15, एस हो जाएगा 19। अब यहाँ से इजिली हम फाइंड आउट कर पाएंगे, तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 16 है, मतलब कि प्लस 1 हुआ है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पे 17 है, मतलब माइनस 1 हुआ है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, मतलब कि प्लस 1 हुआ है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, मतलब माइनस 1 हुआ है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 15 है, मतलब प्लस 1 हुआ है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 19, मतलब माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए ये लॉजिक आपको सीक्वेंस समझ में आ रहा है कि एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, इस तरीके से हमारा रूल चल रहा है। अब यहाँ पे हमें किसका फाइंड आउट करना है, मोबाइल। तो मोबाइल में अगर देखा जाए तो पहला अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा पहला। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, आई पे 9 हो जाएगा, एल का 12, ई का 5। तो पहला अगर एन यहाँ पे एम 13 दिया है तो एक प्लस होगा तो 14 हो जाएगा, 14 पे हमारा एन आता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है 50 नंबर, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस का यहाँ पे बता रहा है कि एक प्लस हुआ है एक माइनस हुआ है, तो यहाँ पे एक माइनस होगा, मतलब कि यहाँ पे भी एन आएगा क्योंकि 14 पे एन होता है। यहाँ पे 2 है तो एक माइनस हो गया, तो अभी एक प्लस होगा, तो मतलब 3, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 9 दिया है, मतलब आए 9 है, तो यहाँ पे प्लस अगर हमने किया तो एक नेक्स्ट वाला माइनस करेंगे, तो यहाँ पे एक माइनस करेंगे तो एच आ जाएगा। यहाँ पे 12 दिया है एल नंबर का, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस हमने माइनस किया तो यहाँ पे नेक्स्ट में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे एम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 13। यहाँ पे फिर 5 है तो यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 पे डी आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो कितना आसानी से है इसे हम सॉल्व कर पाए। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको नंबरिंग बहुत अच्छे से याद कर लेना है, नंबरिंग अगर आपको याद है तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, आप शॉर्ट मेथड में आप यूज, बस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि किस तरीके से सॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब किस तरीके से सॉल्व करना है ये आपको समझ में आ गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगेगा। यहाँ पे दिया है इफ कैमल इज, कैमल का कोड दिया है कैमल, और यहाँ पे कोड दिया है ई सी एन सी जे। अब इसको हम नंबरिंग करेंगे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ें मैच नहीं हो रही है, तो 3 हो जाएगा सी, ए होगा 1, एम हो जाएगा 13, ई हो जाएगा 5, एल हो जाएगा 12, ई हो जाएगा 5, सी हो जाएगा 3, एन हो जाएगा 14, सी हो जाएगा 3 और जे हो जाएगा 10, ठीक है।
समझ में आ रहा है। आगे इसमें क्या लॉजिक लगाया है ये देखना है हमें। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, मतलब कि प्लस 2 हुआ है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, मतलब कि यहाँ पे भी प्लस 2 हुआ है। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 14, मतलब कि प्लस नहीं, यहाँ पे 2 हुआ है प्लस। यहाँ पे थर्ड में देखा जाए 13 है 14 है, मतलब प्लस 1 हुआ है। 5 है, यहाँ पे 3 है, मतलब कि माइनस 2 हुआ है। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 है, मतलब कि माइनस 2 हुआ है। तो पहले के दो जो नंबर है प्लस 2 हुआ है, बीच वाला नंबर 1 प्लस हुआ है, और लास्ट वाले दो माइनस हुए हैं। तो ये लॉजिक काम कर रहा है क्या ये देखना है हमें। टाइगर यहाँ पे दिया है, इसका कोड हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस 2 करेंगे तो वी आ जाए, मतलब यहाँ पे सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। ये हो गया 20 नंबर पे, आई हो गया 9, जी हो गया 7, ई हो गया 5, आर हो गया 18। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले दो नंबर यहाँ पे प्लस हुआ तो यहाँ पे दो नंबर प्लस करेंगे, तो यहाँ पे वी आ जाएगा, 22 पे वी होता है। एन यहाँ पे 9 नंबर पे है तो यहाँ पे प्लस कितना करेंगे, 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस हुआ, यहाँ पे 1 प्लस, तो यहाँ पे 2 प्लस हुआ है, तो 9 और 2 11 होता है, 11 पे के आ जाएगा। तो यहाँ पे एच दिया है इसलिए गलत है, यहाँ पे एस दिया है वी एस। अब बचा वी के, दो ऑप्शन है ए और सी। नेक्स्ट वाला देखेंगे हम जी, तो जी में क्या करना है, प्लस 1 करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस 1 हुआ है थर्ड में, तो जी है तो यहाँ पे एच आ जाएगा, तो एच यही ऑप्शन में है इसलिए सही है, वहाँ पे सी दिया हुआ है इसलिए गलत है। इसी तरीके से एग्जाम में आंसर निकालना है। अब यहाँ पे रह गई बात ई, तो यहाँ पे क्या, कितना माइनस 2 हुआ है, तो यहाँ पे माइनस 2 करेंगे, 5 में से माइनस 2 तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सी बचेगा। आगे क्या दिया है, माइनस 2 यहाँ पे भी किया है, तो यहाँ पे 18 है, तो माइनस 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 पे हमारा पी हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, इफ देन इज कोडेड एज, देन का कोड दिया है, यहाँ पे देन का कोड दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं यू आई डी ओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये 20 हो गया, एच 88 हो गया, ई 5 हो गया, एन 14 हो गया, यहाँ पे यू 21, यहाँ पे आई 9, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, ओ हमारा 15 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे प्लस 1 हुआ है, यहाँ पे माइनस 1 हुआ है, यहाँ पे माइनस 1 हुआ है, यहाँ पे प्लस 1 हुआ है। लेकिन ये कौन सा लेटर है जो प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी एक लॉजिक है, ये लॉजिक भी काम करेगा, लेकिन एक और लॉजिक है यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट क्या दिया है, तो इसका भी कोड दिया हुआ है THUSUIDT, तो इसका भी हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे इसका भी कोड दिया है, इसका कोड तो हमने फाइंड आउट किया, लेकिन इसी तरीके से इसका हो रहा है क्या ये भी देखना जरूरी है। तो यहाँ पे T हो गया 20, H हो गया 8, और U हो गया 21, S हो गया 19, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, 22 है, नहीं U है तो 21 है, यहाँ पे I 9 है, यहाँ पे 20 है T, और यहाँ पे भी 20 है T, ठीक है। तो यहाँ पे से आप समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 20 है, मतलब माइनस 1 3 में हुआ है। लेकिन क्यों हुआ है ये देखिए, यहाँ पे वॉवेल्स है इसलिए यहाँ पे माइनस किया है, ई है इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया है, और यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी यू है तो यहाँ पे भी माइनस हुआ है। मतलब कि हमारा आंसर क्या आएगा, वेन का अगर हमने फाइंड आउट किया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हमें क्या दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ कन्फ्यूज कर देता है कि इस तरीके से क्या करेगा, कभी कभी यहाँ पे वॉवेल्स दे देगा, यहाँ पे वॉवेल्स दे दिया, यहाँ पे भी वॉवेल्स दिया है, लेकिन यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट देता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। और कॉन्सोनेंट यहाँ पे दे दिया मतलब वहाँ पे क्या होता है, उन लोग क्या करते हैं वहाँ पे भी माइनस कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे भी माइनस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हर जगह देखिए जो कॉन्सोनेंट है उसको एक नंबर प्लस किया है, जो वोवेल्स है उसको एक नंबर माइनस किया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है,
कि अगर यहाँ पे हर एक चीज़ें की माइनस की है, जैसे कि क्या करेगा यहाँ पे और भी एक चीज़ है कि पहले हम वॉल्स वॉवल्स दे देगा, उसको माइनस कर देगा, ठीक है। लेकिन सेकंड में क्या करेगा कि यहाँ पे थर्ड नंबर पे अगर कॉन्सोनेंट देता है और उसको भी माइनस करता है, तो मतलब कि वो रूल में दे दिया है कि एक कॉन्सोनेंट हो या वोवेल्स हो, दोनों में क्या है कि दोनों में माइनस किया है, तो यहाँ पे फिर पूछेगा कॉन्सोनेंट भी दे सकता है या वोवेल्स भी दे सकता है, तो वहाँ पे माइनस थर्ड नंबर पे होगा। समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं है यहाँ पे वोवेल्स दिया है, यहाँ पे भी वोवेल्स दिया है, यहाँ पे भी वोवेल्स दिए, तो यहाँ पे भी माइनस वन हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे देखिए 23 तो 24 पे तो एक्स आ जाएगा, एक्स में कौन सा एक ये है और वो एक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। फिर नेक्स्ट है H, तो यहाँ पे एक नंबर बढ़ जाएगा क्योंकि ये वोवेल्स है, ये कॉन्सोनेंट है, तो एक नंबर बढ़ेगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 पे I हो जाएगा, तो एक साइ दोनों बचा। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पे D होगा। अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे D है, आगे क्या होगा, यहाँ पे एक नंबर बढ़ जाएगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, तो N है तो O हो जाएगा, वहाँ पे E दे दिया है, एक नंबर बढ़ा दिया है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी उसी हिसाब से देते हैं। तो ये चीज़ें समझना है कि यहाँ पे दोनों में अगर यहाँ पे वोवेल्स दिया है, माइनस किया है, ये ऐसे दो चीज़ें देगा कि आपका वो कंफ्यूज करने के लिए देगा, ठीक है। तो वो चीज़ें ध्यान में रखना, एक वोवेल्स एक कॉन्सोनेंट, यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट अगर माइनस किया है तो समझ लीजिए यहाँ वोवेल्स हो या कॉन्सोनेंट हो, हमें माइनस ही करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से कोडिंग डिकोडिंग समझ में आया है होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।